कल मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। और आज जो मैच होने वाला है आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, वो मैच के बारे में, आज प्लेइंग 11 के बारे में, कौन सी पिच हो सकती है बैटिंग के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यार आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हैं, जो लास्ट में जो होता है वो प्लेइंग 11 होती है और जो पिच का जो रिपोर्ट होता है वो होता है। यह वीडियो जो कि लास्ट तक आप जरूर देखना। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो कल मैच खेला गया था जयपुर में, उसके बारे में बात करते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 185 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर 20 ओवर में। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे रियान पराग, 45 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली थी यह, जो कि एक टॉप स्कोरर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। इनके अलावा बात करें तो रविचंद्रन अश्विन 29 रन, जो ध्रुव जुरेल थे उन्होंने 20 रन बनाए थे, जो कि 3 टॉप स्कोरर रहे थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। शुरुआत में ही पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट खो दिए थे और 36 रन ही बना पाई थी। और इसके बाद जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर के बीच में 77 रन बनाए थे राजस्थान रॉयल्स ने। इसके अलावा बात करें तो पिछले 4 या 5 ओवर में 77 रन बनाए थे। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के लिए जो रियान पराग ने पारी खेली थी वो एक मैच विनिंग पारी थी और उसकी वजह से ही राजस्थान रॉयल्स 185 रन तक पहुंच पाई। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि रियान पराग को ऊपर खिलाना चाहिए, क्योंकि इस बार इनका अच्छा फॉर्म लग रहा है, क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसकी वजह से इनका परफॉर्मेंस पिछले 2 मुकाबलों में काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों इनकी वजह से ही राजस्थान रॉयल्स जो दोनों मैच जीती है वो रियान पराग की वजह से ही जीती है, ऐसा कह सकते हैं। और दोस्तों इनके अलावा बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जो 4 गेंदबाज थे उन्होंने 1-1 विकेट लिया है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियान पराग का तोड़ नहीं निकल पाए हैं। और दोस्तों रियान पराग की बात करें तो इन्होंने एंड्रिच नॉर्खिया को 25 रन जड़े थे लास्ट ओवर में, ऐसा कह सकते हैं कि इस बल्लेबाज में क्वालिटी है। एंड्रिच नॉर्खिया जैसे गेंदबाज को अगर 25 रन जड़ सकता है तो ये किसी के सामने भी खेल सकता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ी सी चिंता ये है कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपनिंग जोड़ी में काफी खास नहीं कर पाए हैं इस साल, और दोस्तों उसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी तो टेंशन में होगी कि जो शुरुआती जो ओवर होते हैं इसमें बैकफुट पर नजर आती है। इसके बाद जो 185 रन का जो लक्ष्य था उसका पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स, जो कि इनका भी कुछ ऐसा ही है। दिल्ली कैपिटल्स 173 रन बना पाई थी 5 विकेट खोकर 20 ओवर में। और दोस्तों इनमें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे डेविड वॉर्नर, जिन्होंने 49 रन बनाए थे। इनके अलावा जो ट्रिस्टन स्टब्स थे साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज, उन्होंने 44 रन बनाए थे। ऋषभ पंत जिन्होंने 28 रन बनाए थे। दोस्तों ये दिल्ली कैपिटल्स के 3 टॉप स्कोरर थे। और दोस्तों इनमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनका जो मिडल ऑर्डर है वो काफी खास नहीं है, और दोस्तों इनका जो थोड़ा मिडल ऑर्डर वीक नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि दोस्तों इनके पास एक्सपीरियंस जो बल्लेबाज होने चाहिए विदेशी हो या फिर इंडियन बल्लेबाज, इस टीम में नजर नहीं आते हैं मिडल ऑर्डर में। उसके लिए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ऐसा ही करती रही प्लेऑफ में पहुंचने के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास जो कि बीच में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो मैच जीता पाए। इसके लिए यह टीम अक्षर पटेल को थोड़ा सा ऊपर खिला सकती है, क्योंकि यह जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में जैसे पिछले साल किया था। तो दोस्तों इसके लिए अक्षर पटेल की जगह बीच में बनानी पड़ेगी नंबर 4 पर या फिर 5 पर। दोस्तों इसके लिए दिल्ली कैपिटल्स ऐसा करती है तो दिल्ली कैपिटल्स आगे के जो मुकाबले हैं इनमें रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। तो दोस्तों ये जो कि दिल्ली कैपिटल्स का लेखा जोखा था। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी की बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी काफी अच्छी रही है। और दोस्तों नेंड्रे बर्गर जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे इन्होंने 2 विकेट लिए थे, युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए थे और आवेश खान जिन्होंने लास्ट ओवर डाला था उन्होंने भी 1 विकेट लिया था। राजस्थान रॉयल्स की ओर से अब तक आवेश खान का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों आज जो अपडेट सबसे बड़ी निकल कर सामने आ रही है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से यह खबर है कि मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान के प्लेयर है वो इंजर्ड होकर आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, और दोस्तों इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अल्लाह मोहम्मद गजनफर जिन्होंने 16 साल की उम्र में ही आईपीएल में एंट्री ले ली है, और दोस्तों यह जो कि एक अच्छा खिलाड़ी है। तो आज जो मैच होने वाली है उसके बारे में, आज जो मैच होने वाला है वो आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में होने वाला है। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। तो यह मैच शाम को 7:30 बजे होगा। और दोस्तों बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह है। फैफ डुप्लेसिस कप्तान, विराट कोहली दोनों ओपनिंग कर सकते हैं, और इसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत विकेट कीपर के रूप में खेलने वाले हैं, अल्जारी जोसेफ, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। दोस्तों ये प्लेइंग 11 हो सकती है, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यह टीम महिपाल लोमरोर को खिला सकती है। दोस्तों ये आरसीबी की प्लेइंग 11 है। इसके बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो फिल सॉल्ट, विकेट कीपर वेंकटेश अय्यर दोनों ओपनिंग
कर सकते हैं श्रेयस अय्यर कप्तान, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। ये प्लेइंग 11 कोलकाता नाइट राइडर्स की हो सकती है और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुरेश शर्मा को यह टीम खिला सकती है। इसके बाद कंपैरिजन की बात करें तो विराट कोहली और सुनील नारायण के बीच में काफी अच्छी बैटल देखने को मिल सकती है और इस बैटल में विराट कोहली आगे नजर आ रहे हैं। इसके लिए अब बात करते हैं दूसरी जो कंपैरिजन है उसके बारे में, तो आंद्रे रसेल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसके लिए यह क्योंकि आंद्रे रसेल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों के बीच में काफी अच्छी बैटल देखने को मिल सकती है और यह बैटल लगभग यहाँ पर आंद्रे रसेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बल्लेबाजी की, तो दोस्तों बल्लेबाजी आरसीबी की काफी स्ट्रांग है कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले, क्योंकि इनके पास भारतीय खिलाड़ी भी काफी अच्छे हैं और विदेशी बल्लेबाज भी काफी अच्छे हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी की, तो दोस्तों गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में हो या फिर फास्ट बॉलिंग में, दोस्तों दोनों में ही कोलकाता नाइट राइडर्स आगे नजर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। मैंने पहले ही बताया है कि आरसीबी की जो गेंदबाजी है वो काफी वीक है, वो फिर स्पिनर में हो या फिर गेंदबाजी। गेंदबाजी में अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ये बैटल जीत रही है। अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो सबसे पहली जो प्रिडिक्शन है वो है ड्यूप्लेसिस। दोस्तों ड्यूप्लेसिस 50 से ज्यादा रन बना सकते हैं, पिछले दो मुकाबलों में उन्होंने 50 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। और दोस्तों जो दूसरा जो प्रिडिक्शन है वो है रिंकू सिंह के लिए है, और दोस्तों 30 से ज्यादा रन रिंकू सिंह बना सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरी और आखिरी प्रिडिक्शन ये है कि यहाँ पर आरसीबी अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो हार जाएगी, अगर पहले गेंदबाजी करती है तो आरसीबी जीत सकती है। होम ग्राउंड पर जो टीम खेली है वही टीम जीती है, तो दोस्तों इस बार भी ऐसा हो सकता है क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो मजबूत पक्ष है वो बल्लेबाजी है। इसके लिए पहले बल्लेबाजी करती है तो आरसीबी हार सकती है और यहाँ पर पहले गेंदबाजी करती है तो यहाँ पर आरसीबी जीत सकती है। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स अगर टॉस जीती है तो पहले गेंदबाजी कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।